नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में जो नवंबर मंथ के सेल्स हैं वो डिक्लियर होते हुए दिखा है, तो सेल्स के नंबर कैसे रहे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आगे के क्या ट्रेंड होंगे, सभी पॉइंट्स को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। इस समय स्टॉक 704 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जो नियर अराउंड ऑल टाइम हाई का प्राइस है। और यहाँ देखेंगे कंपनी ने नंबर सेल्स के डिक्लियर करे हैं। रिपोर्टेड सेल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर बिलो एस्टिमेट। नोमुरा का जो एस्टिमेट था वो 75,100 था, जबकि कंपनी ने 74,172 यूनिट्स नंबर सेल करे हैं, जिसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये रहा है कि जो कॉमर्शियल व्हीकल था इसमें एक्सपेक्टेशन थे 13% ग्रोथ का, लेकिन कंपनी ने 4% डिक्लाइन नंबर डिक्लियर करे हैं। यहाँ देखेंगे 28,029 यूनिट्स कंपनी ने सेल करे, कंपेरेटिवली जो नवंबर 2022 का था 29,053, और 1% देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल के डाउन ट्रेंड रहा है, और टोटल 1.7% का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला है। अब यहां मैं आपको दिखाऊं तो यहां देखेंगे सीवी सेल्स स्लो डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी मंथ। बोथ अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स हैव रिपोर्टेड डिक्लाइन इन सीवी सेल्स। और जो टाटा मोटर्स का सेल है -4% हमने देखा, जो कॉमर्शियल व्हीकल था, और अशोक लेलैंड में -13%। एस्टिमेट वाज सीवी सेल्स विल ग्रो 13% फॉर टाटा मोटर्स और 6% फॉर अशोक लेलैंड। जो एक्सपेक्टेशन थे उसको तो बीट कर ही नहीं पाया, लेकिन जो नंबर्स रहे वो काफी वीक रहे। और यहाँ देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक नॉमिनल सेलिंग दिखी है, और जो वॉल्यूम रहा था वो वॉल्यूम यहाँ देखेंगे तो 1 करोड़ के ऊपर का वॉल्यूम रहा, जिसमें माल 44% उठा लिया गया है। रिसेंट के डिलीवरी बेटर तो दिखे हैं, अगर रिसेंट के डिलीवरी को ही देखेंगे तो बेटर डिलीवरी दिखा है, मोर देन 40% के कंटिन्यूअस डिलीवरी दिखे। और टेक्निकल ट्रेंड भी जो रहा है वो देखेंगे तो कंटिन्यूअस बेटर ट्रेंड ही रहा है, और यहाँ मंथली के साथ साथ वीकली ट्रेंड भी अभी भी परफॉर्मिंग ही है, आउट परफॉर्म ही कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा कौशन बरतना चाहिए। जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, वो इस स्टॉक में 688 692 के एसएल को फॉलो करेंगे, लेकिन फ्रेश बायर थोड़ा कौशन बरते हैं। और यहाँ देखेंगे ये एक ट्रेंड लाइन है, और शॉर्ट करना भी है तो 688 के नीचे के एसएल को जो फॉलो करेंगे इसके बाद एक बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, तो इस स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए 688 के लेवल का वेट करें, जहां से स्टॉक 672 और 660 के दो शॉर्ट टर्म टारगेट दिखेंगे, और ये पोटेंशियली ये लेवल तक आएगा। लॉन्ग करते हैं तो 688 के एसएल को लें, और शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे के ब्रेकडाउन का वेट करें। ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन में समय ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो 660-20 के बीच के लेवल का वेट करें, जहां एक वैल्यू बाइंग होंगी, इस प्राइस लेने से बिल्कुल बचना चाहिए।